हमारे बीच में हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक अध्यक्ष महामंत्री जिन्हें कुछ भी पत्नी ने देवेंद्र जी कादियान साहब जिनकी तरफ से आप सबने देखा होगा, शायद दिल्ली में ही नहीं, मैंने अपने जीवन में शायद इतनी बड़ी भीड़ आज पहली बार किसी धार्मिक कार्यक्रम में देखी। Yeah.
अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महाआरती का मंगलमय आयोजन
I'm gonna say,
पहचान। राजीव जी जैन साहब उनका भी हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ संचालक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं आज उनका गोपीधाम तीर्थ क्षेत्र पहुंचने पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का ध्वजारोहण करने का सौभाग्य भी माननीय श्री राजीव जी जैन सौभाग्यवती कविता जी जैन परिवार को यहाँ पर मिला। मैं विनती करूंगा माननीय राजीव जी से और उनके साथ कविता जी से कि वे आएंगे और ध्वजारोहण की प्रक्रिया भुवनाम भोज
हिंदू राष्ट्र के लिए पहले जो महाराज जी ने शायद आपने पढ़ी और किताब भी लिखी थी, हमने उस किताब का भी अध्ययन किया और आज साथ साथ कई हजार लोगों की यहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं महाराज के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए थे और जो आज नई शुरुआत की है इंटरनेशनल लेवल तक वो काम चलेगा ऐसा महाराज जी ने आज ये शुरुआत चौथी बार शायद ये प्रोग्राम है चौथी बार ये प्रोग्राम आज यहाँ पर ओम शांति ओम ज्योति से ज्योति जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो राहों में आए दुखी राहों में आए दुखी सबको गले से लगाते चलो ज्योति से ज्योति लगाते चलो जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला जो निर्धन है जो निर्गुण है वो है प्रभु का प्यारा प्यार के मोती लुटाते चलो प्यार के मोती लुटाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो आशा टूटी ममता रूठी आशा टूटी ममता रूठी टूट गया है किनारा बंद करो मत द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा दीप दया का जलाते चलो दीप दया का जलाते चलो ज्योति से ज्योति छाया है चारों ओर अंधेरा भटक गई है दिशाएं मानव बन बैठा है दानव किसको व्यथा सुनाए धरती को स्वर्ग बनाते चलो धरती को स्वर्ग बनाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो ज्योति से ज्योति प्रेम की गंगा बहाते चलो राय में आए दुखी राय में आए दुखी सबको गले से लगाते चलो सबको गले से लगाते चलो जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं लेकिन जब आप किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी सेहत और प्यार भी आता है
जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। प्यार के बिना इस धरती पर कुछ भी नहीं। आदमी के पास दौलत है तो दिल नहीं। मैं दिल को बेचता हूं, मैं दिल को बेचता हूं, कोई दिल मोल ले ले। सांसद जी, मैं दिल को बेचता हूं, कोई दिल मोल ले ले। दिल का मोल ये है, कोई हंस के बोल ले ले। आज नकली हंसी हंसने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। एक्चुअल हंसी हंसने के लिए तो परमात्मा के दरबार में ही आना पड़ेगा। महानुभाव, हर पल में प्यार है, हर लहे में खुशी है। खोदो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है। आप भी रोता रहता कि परेशान हूं, परेशान हूं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार और कार्यों से होती है। इस धरती पर तरह तरह के लोग हैं। जितने लोग यहां उपस्थित हैं उससे कई गुने लोग इस सभागार के बाहर इंतजार कर रहे हैं। एक भाई साहब आए, बोले यहां तो अंदर की रिकॉर्डिंग हो रही, बाहर तो कोई पता ही नहीं रहा। भीतर जितनी जगह है उतना ही कैप्चर किया जा सकता है। महानुभाव देखिए, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, विनती करना है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो। बेटी की शादी में तो घर ही बेच के लगा देते, सत्संग में आते कर दो कौड़ी मेरे पास नहीं। भगवान की आरती करने के लिए भी हम राजा से भेंट लेके आते कि मैं आरती कर सकूं परमात्मा की। रहमत देखनी है तो जरूरत मत देखो, भगवान की रहमत देखनी है जो है उसको उपयोग कर लो। क्या कहूं, जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती और चीजें उतनी भर जाती है उसको निकालने की खुशी आ जाती है। परिवार में 3 मेंबर तो 13 मंजिला भवन, यदि कोई व्यक्ति वहां आके रहने का मन बनाए तो आप जगह देने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राह में कोई दीन दुखी व्यक्ति मिलता है तो उसको स्थान दो, गले लगाओ, रोटी दो, उसको शिक्षा का भी आप दायित्व दो। लेकिन मनुष्य जब थोड़ा धन से बढ़ जाता है तो आदमी का मिजाज बढ़ने लग जाता है। मेरा मिशन है, दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। जिंदल साहब, दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। आज तू है बड़ा यह ना अभिमान कर, यह बड़प्पन है बस दो घड़ी के लिए। चीजों से आप अपने को बड़ा मत मानिए, चीजों से कभी कोई बड़ा नहीं हो सकता है। प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। अगर आपने सुदामा की तरह कृष्ण के दर पर जाके प्यार लिया है तो आप बहुत महान हो जाते हैं। मीरा का प्रेम, राम लक्ष्मण का प्रेम, आज को भाई एक साथ बात करने में सब जाते हैं और बहुत लंबी लंबी बातें करके चले जाते हैं।
एक छोटी सी सुक्ति आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना क्या? झरने ने बड़ी नम्रता से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से तो अच्छा है, छोटा बनकर मीठा ही रहो। बड़ा बनना चाहते हैं क्या? बड़ा बनने के बाद अभिमान बढ़ रहा है। पहले छोटी सी स्कूटी पर मियां बीबी चलते थे और वही मियां बीबी 1 करोड़ की गाड़ी में बैठने में भी तकलीफ महसूस करते हैं, दूसरा कोई लिफ्ट मांगने लग जाए तो। क्या कारण है? दिल नहीं रहा, अभिमान बढ़ गया, इसलिए कहते बड़ा बनकर खारा होने से अच्छा छोटा बनकर मीठा रहने को अच्छा है। आज जनजागरण महाआरती अभियान का चतुर्थ फेज है और उसमें आज हम पूरे देश का अंधकार, मनुष्य संस्कृति का अंधकार दूर करने के लिए प्रयास करने जा रहे हैं। चिरागों के अपने घर नहीं होते, चिरागों के अपने घर नहीं होते, जहां जलते हैं वही रोशनी बिखेर देते। भारत का नागरिक गांव में जन्म लेता है और शहरों में जाकर उसका मूल्यांकन विकास होता है। इस देश के प्रधानमंत्री गुजरात में गांव में जन्मे, लेकिन भारत नहीं विश्व में अपनी पहचान स्थापित करने में कारण उनका अपना व्यक्तित्व है। समझदार वो नहीं जो पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहां किन अल्फाजों और किस लहजे से बात करनी है, किससे कहां किन अल्फाजों और किस लहजे से बात करनी आती, इसका नाम समझदारी है। और देश का प्रधानमंत्री इस बात में अग्रणी है। जो आपकी मदद करता है उसे कभी कमाना नहीं, जो आपसे प्यार करता हो उसे से कभी नफरत नहीं करना, जो आप पर भरोसा करता है उसे कभी धोखा नहीं देना। अंतर्राष्ट्रीय जनजागरण मिशन उन लोगों के लिए है जिनको आप उपेक्षा की आंख से देखते हैं, अपनों से तो प्यार सभी करते हैं लेकिन जो उपेक्षित हो गए हैं उन व्यक्तियों से प्यार करने की पहल हमको प्रारंभ करना है। पैसे आने से सुख हो लेकिन शांति अनिवार्य नहीं है। श्रीमंत लोग यहां बैठे हुए बड़ी संख्या में, पूछता हूं सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझ लेना कि आपने सुविधा को गलती से सुख समझ लिया है। फ्लाइट को आपने सुख समझ लिया है, चार्टर को, उसमें जाते जाते क्रैश हो गया, फिर क्या हुआ बोलो ना, बोलो। आपने साधनों को सुख मान लिया लेकिन साधन सुख नहीं है, सुख शांति में। वो कुटिया में शांति हो सकती है, खेत में शांति हो सकती है, चौपाट पर शांति हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुचले हुए मसले हुए भूलों को खिलाना होगा, शर्त यह है न सीने से लगाना होगा। आज इस गन्नौर जैसे छोटे कस्बे में आप देख रहे हैं कितने सारे लोग एकत्रित हुए हैं। कोई नेता पहल करता तो कई करोड़ लगाना पड़ते, लेकिन जो यहां पर आए और सब सुदामे की तरह कृष्ण के दरबार में आते हैं, ये सकल प्रेम दो, ये सकल प्रेम दो। प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए, व्यक्ति को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद वहां नहीं जहां धन मिले,
आनंद वहां है जहां क्या मिले, मन मिले। अगर मन मिलता है तो जिंदगी में सब कुछ है, और मन नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं है। महानुभाव, जहां शिकायतें कम और आभार ज्यादा करने की आदत हो वहां जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं, और जो चतुर्थ अंतरराष्ट्रीय जन जागरण महाअभियान छेड़ा गया है गन्नौर के अंदर, यहां पूरे गन्नौर क्षेत्र के दूर दूर के लोग भी शामिल हैं। कितने लोग यहां को बाहर दिखाई दे, छोटा सा पंडाल है, यहां किंचित ही लोग बैठे हैं। अब महाआरती का प्रोग्राम प्रारंभ करेंगे बाहर जाके, तब आपके दिल में आनंद की लहर आएगी। आज इस मौके पर जिन्होंने आपके महाप्रसाद भोजन का प्रबंध किया है, ऐसे कार्यक्रम के प्रमुख चेयरमैन देवेंद्र कल्याण मदन खुद को आशीर्वाद देता हूं। जिन्होंने आज आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भावों को शुद्ध रखते हुए भोजन का प्रबंध किया है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतने लोगों की जमात में क्या करना। एक बार क्या हुआ, सांसद जी कबीर क्या सत्संग होना था, और कबीर क्या कुछ आटा दाल नमक नहीं था, तो कुछ लोग उठे और एक बगीर की दुकान पर चले गए। लोगों ने घी के पीपे सिर पर रखी, आटे की डोरी रखी, दाल की डोरी रखी, चलने लगे। तो जो मालिक था उसने बड़े आराम से बोरियां सिर पर रखवा दी। तब किसी ने पूछा, क्या कबीर यहां जमात होने वाली है? हाँ, इसीलिए बड़े आराम के साथ चीजें पहुंचाई गई मुक्ति धाम में। आप सबका जो आनंद वर्षा, और दिल्ली से कोई 40 बसें लेकर के आप महिला पुरुष आए हैं, सोनीपत क्षेत्र से कितनी सारी बसें लेके आए हैं, और गन्नौर हल्के से कितने सारे लोग आरएसएस के विश्वंदु परिषद के भारत विकास परिषद के और कहां कहां से आपका हूं गुरु हनुमान अखाड़ा से ही बहुत सारे लोग पहलवान आए हुए हैं। मैं पहलवान तो नहीं, ना धर्मान हूं, मैं तो संत हूं, लेकिन सब इस सत्संग के लिए बहुत अच्छी तरीके से आए हैं। मैं बिहारी कॉलोनी से राजरानी जी 15 वर्षें लेके आए हैं, और भी कई लोग अनेक अनेक जगह से बस लेके आए हैं। उन सबको मंगल की कामना करता हूँ, और जिन्होंने आज आरती करने का संकल्प उठाया है उन सबके लिए भी आशीर्वाद देता हूँ। और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए जो आपको देख रहे हैं प्रथम पंक्ति में, इन सबके लिए आशीर्वाद देता हूँ। राजीव भाई से लेकर अंतिम पंक्ति तक मैं नाम जानता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग कभी कभी आते हैं। कुछ ही लोगों को जानता हूं, सांसद जी को जानता हूं, जिंदल जी को जानता हूं, राजीव जी को जानता हूं, लेकिन जो हमेशा आते रहते हैं उन सब की पहचान होती है। आप अपनी पहचान को बढ़ाइए, और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनने के लिए पुरजोर कोशिश कीजिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि आप इस देश में रहने को जगह बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम अपने देश में प्रेम और प्रीति के सूत्र बढ़ाएं, आपस के रिश्तों को अच्छा बनाएं, कड़वे संबंधों को मीठा करें, और जैसे दो गमलों को खिसका के पास पास रखते हैं, ऐसे सब आस पास रहने की कोशिश करें। मैं विराम देता हूं और कहता हूं कि आप सब अपने अपनी तैयारी पे आ जाएं, और अपना अपना दीपक लेकर के मानस कम स्तर पर चलते हैं, और आप तैयार हो जाइए।
जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुवर मुक्ति सागर जी महाराज की। आइए भाइयों, गन्नौर के इस पावन प्रांगण में भगवान के श्री चरणों में बैठकर इस महाआरती का आयोजन परम पूज्य गुरुवर उपाध्याय गुरुवर गुप्त सागर महाराज की प्रेरणा से। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उबछाया, नमो दुए सब साहुणं। भाइयों बहनों, ये दृश्य ऐसा लग रहा है कि भगवान के श्री चरणों में आसमान के तारे जमीन पर आ गए हैं और भक्तों के हाथों में जो आरती है उस आरती को देखकर ऐसा लग रहा है कि हे नाथ, ये क्षण ये समय हमारे जीवन में बार बार आए और हम आपके श्री चरणों में पहुंचकर आरती करें। ओ ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम, नीचे धरती की पुलकित बहारों में तुम, बहारों में तुम देवा ओ पारस देवा, देवा ओ पारस देवा, देवा ओ पारस देवा, देवा ओ पारस देवा। बहारों में तुम, बहारों में तुम देवा, ओ पारस देवा, देवा दोनों हाथ जोड़ के देवा, ओ पारस देवा, देवा ओ पारस देवा। ऊंचे अंबर के चंदा सितारों में तुम, स्वर्ग की अप्सराएं भगवान के श्री चरणों में भक्ति कर रही हैं और कह रही हैं हे देवा,
वर्ग आए हुए हैं बनारस से, उनके द्वारा ये शुरुआत की जा रही है महाआरती की। चतुर्थ अंतरराष्ट्रीय महाआरती गुप्तीदान कन्नौज से। जगमग दीपक जल रहे और की जय जय का, सब सभी मिले कर रहे जय जय बारंबार, और भक्त सभी मिले कर रहे जय जय बारंबार। उस महावीर की वाणी से जन जन को जगाया है, महावीर की वाणी से जन जन को जगाया है, और इस महासंत ने ये अभियान चलाया है। अभियान चलाया है।
आपने ये अभियान चलाया है। जय जय भक्ति सागर, ओ जय जय भक्ति सागर, ओ जय जय भक्ति सागर, ओ जय जय भक्ति सागर। जिसने इस धरती पर एक अलग जगाया है, जिसने इस धरती पर एक अलग जगाया है, और इस महासंत ने ये अभियान चलाया है। महावीर की वाणी से जन-जन को जगाया है, महावीर की वाणी से जन-जन को जगाया है, और इस महासंत ने ये अभियान चलाया है। किस दीप शिखा की लो अंबर तक जाएगी, किस दीप शिखा की लो अंबर तक जाएगी, और भक्तों पे बन बादल अमृत बरसाएगी, भक्तों पे बन बादल अमृत बरसाएगी। अमृत की बूंदों में, अमृत की बूंदों में आनंद समाया है, अमृत की बूंदों में आनंद समाया है, और इस महासंत ने ये अभियान चलाया है। महावीर की वाणी से जन जन को जगाया है, महावीर की वाणी से जन जन को जगाया है, इस महासंत ने ये अभियान चलाया है, इस महासंत ने ये अभियान चलाया है। महावीर की वाणी से जन जन को जगाया है, महावीर की वाणी से जन जन को जगाया है, इस महासंत ने ये अभियान चलाया है, अभियान चलाया है। जय जय महावीरा, ओ जय जय महावीरा, जय जय महावीरा, ओ जय जय महावीरा। विद्या सागर जैसा हमको एक संत मिला, विद्या सागर जैसा बोले आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की, बोले उपाध्याय गुरुवर धुप्पी सागर जी महाराज की। हो 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 दुखी सागर गुरुवर उनकी ही छाया है, दुखी सागर गुरुवर उनकी ही छाया है, और इस महासंत ने ये अभियान चलाया है, इस महासंत ने ये अभियान चलाया है। महावीर की वाणी से जन जन को जगाया है, महावीर की वाणी से जन जन को जगाया है, और इस महासंत ने ये अभियान चलाया है, इस महासंत ने ये अभियान चलाया है।
सारी दिल्ली आसपास का सारा क्षेत्र आया हुआ है गुप्ती धाम में और हमारे साथ में सारे के सारे लोग कह रहे हैं गोरा जी अरे झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के गुप्ती धाम में हो रे झूम झूम के
नाशक शिव अधिकारी जग के पालनहार गुप्ती धाम के महावीरा स्वामी के पालनहार गुप्ती धाम के महावीरा मंदिर में बैठे मंदिर में बैठे जग के पालनहार गुप्ती धाम के महावीरा स्वामी के पालनहार महावीरा स्वामी गुप्तिदान के महावीरा स्वामी सुनते हैं पुकार गुप्तिदान के महावीरा स्वामी और भाइयों मंदिर में बैठे हुए हैं भगवान महावीर स्वामी गुप्तिधाम के महावीरा स्वामी मंदिर में बैठे जग के पालनहार गुप्तिधाम के महावीरा स्वामी और सारे के सारे लोग चलेंगे और कहेंगे ओम जय महावीर प्रभु ओम स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडल पुर अवतारी कृष्णानंद प्रभु ओम जय महावीर प्रभु महावीर प्रभु और स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडल पुर अवतारी कुंडल पुर अवतारी कृष्णानंद प्रभु ओम जय महावीर प्रभु से तरच भर जन में वैभव था भारी और स्वामी वैभव था भारी बाल ब्रह्मचारी व्रत पालो तप धारी ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु ओ स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडल पुर अवतारी कृष्णानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु आत्म ज्ञान विराजी माया भोग विनाशक ज्ञान ज्योति जरी ओम जय महावीर प्रभु कृष्णानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु ओ जग में पाठ अहिंसा आप ही विस्तारो अहिंसा पाप मिटाकर हिंसा पाप मिटाकर सुधर्म परिचालो ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडल पुर अवतारी चांदन पुर अवतारी कृष्णानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु
अब बोले अब तारी कुंडल बोले अब तारी कृष्णानंद भगवान ओम जय महावीर प्रभु हे अमर चंद तो सपना तुमने प्रभु दीना निर्मित है तीना ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु ओ स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडल बोले अवतारी चांदन बोले अवतारी निशिता गांधी विभो ओम जय महावीर प्रभु अतिशय कैसे रे ओ स्वामी अतिशय कैसे रे एक काम तिन दीनों एक काम तिन दीनों सेवा हित यह वे ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कृष्णानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु ऐ जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे धन सुख सब कुछ पावे धन सुख सब कुछ पावे संकट मिट जावे ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु ओ स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडल पुर अवतारी कुंडल पुर अवतारी कृष्णानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु।